अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं सानिया कवल और आप देख रहे हैं उर्दू डिस्कवरी 5। आज का हमारा टॉपिक है दीमक, लेकिन इससे कबल मैं आपको बताती चलूं कि नया आने वाले साथी हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन के निशान को प्रेस करें ताकि हमारी हर नए आने वाली वीडियो आप तक जल्द से जल्द मौसूल हो सके। चले वीडियो स्टार्ट करते हैं। दीमक, दीमक इन कीड़ों में से है जो सिर्फ लकड़ी खाते हैं और बहुत ज़्यादा खाते हैं। ये इंतहाई मुंजम गिरोह में रहते हैं जिसमें एक बादशाह, एक मलका, कारकुन और सिपाही होते हैं। दीमक अपने घर खुद बनाते हैं। बाज दीमक 4 से 6 सेंटीमीटर घोंसले बना लेते हैं। ये चट्टान की तरह सख्त होते हैं और इनमें से तकरीबन 1,000,000 दीमक हिफाजत से रह सकते हैं। नस्ल कशी के बाद बादशाह और मलका के पर झड़ जाते हैं। इसके बाद ये अपना घोंसला कभी नहीं छोड़ते। इनके अंडों में से लार्वे निकलते हैं और बाद में कारकुन या सिपाही बनते हैं। ये मुसलसल काम करते हैं, ये सुरंगें खोदते हैं, अपने बच्चों की देखभाल करते हैं और इनके लिए खुराक तलाश करते हैं। ये मलका और कारकुन दीमक की गरौंदे की हिफाजत करते हैं। ये नाबीना होते हैं। ये सूने की तेज हिस की मदद से अपने दुश्मनों को पहचानते हैं। इनके हथियार गिरफ्त करने वाले वो मजबूत जबड़े नुमा खंजरी अजू होते हैं और दुश्मन के सर पर जहर फेंकते हैं। मलका का पेट 18 सेंटीमीटर तक लंबा हो सकता है। ये अपनी खुराक का बंदोबस्त खुद नहीं कर सकती बल्कि कारकुन दीमक इसके बंदोबस्त करती है। ये इनमें एक बार अंडे देती है और बाज औकात एक माह में 18,00,000 से भी ज्यादा अंडे देती है। उम्मीद है आपको हमारी ये वीडियो पसंद आएगी।